ना मैं बसता ना वो गाड़ी बसती ना हमारे ड्राइवर अंकल, तो हमारा हो जाता RIP। सो हेलो जी, की हाल चाल सारे अनु, सत श्री अकाल। होप करता हूँ जी आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके घर फैमिली में सारे लोग अच्छे होंगे। तो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग यार? और आज अपन चल रहे हैं भाई सीधा अलवर के लिए। और अलवर क्यों जा रहा हूँ यार, अलवर एक मेरे फ्रेंड है, उनके घर में एक फंक्शन है तो वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। और आज है मंडे और कल मुझे जाना था जयपुर, तो अभी अपन निकल रहे हैं सीधा अलवर के लिए। वहाँ से मैं जाऊँगा डायरेक्ट जयपुर, क्योंकि कुछ काम कराना है। और काम क्या कराना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगने वाला है। और अपन चल रहे हैं भाई हिमालयन से, क्योंकि लॉन्ग राइड की जो तैयारियां चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की होने वाली हैं। तो बैग मेरा पैक है, एक मैंने टॉप बॉक्स लगा दिया हिमालयन पर। अभी बज रहे हैं भाई 2:30 और आप भी अपने को निकलना है सीधा अलवर के लिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते क्योंकि यार रास्ते में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है। निकलते हैं जल्दी से और मिलते हैं आपको सीधा बाइक पर। सो फाइनली भाई लोगों, अभी अपन निकल चुके हैं अलवर के लिए। और अलवर के लिए यहाँ से भाई अभी टाइम लगेगा अपने को मोस्ट प्रोबेबली 2.5 से 3 घंटे, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा मन तो था भूसा लेके जाने का, बट जब मैंने सोचा कि रोड कंडीशन बहुत ख़राब है तो यार मैंने बिल्कुल मतलब सोचा ही नहीं फिर उसके बारे में। और भाई लोगों, अभी अपन निकल चुके हैं भरतपुर से, मतलब आई मीन भरतपुर से निकले नहीं है कि बस यार यहाँ एक फ्लाईओवर पड़ेगा उसको क्रॉस करने के बाद, मतलब मान लो कि भरतपुर एग्जिट ये आ चुका है भाई वो फ्लाईओवर, इसको क्रॉस करने के बाद समझो भरतपुर गया। कहाँ गया कैसे गया वो भी मुझे भी नहीं पता लगेगा, आपको भी नहीं पता लगेगा, बट चला जाएगा ये कंफर्म है। भाई लोगों, भूसा चलाने के बाद इसको ऐसा लगता है कि इसमें पिकअप है नहीं है, क्या हुआ इस बेचारी को। बट भाई ऑफ रोडर का किंग है ये अपना, ऐसे ही देख लो रोड कंडीशंस क्या है, इसलिए मैं भूसा नहीं प्रेफर करता ऐसे रोडों के लिए यार। टाइम हो चुका है 3:15 और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो बज रहे थे 2:30 के अराउंड। फिर मेरे को एक्चुअली खाना भी खाना था, ये सारा कुछ करने में मेरे को इतना टाइम लग गया, आधा पौन घंटा। और बाइक की चैन में भी ल्यूब व्यूब करना था, तो मतलब अब मैं फ्री हो के बस निकल चुका हूँ। और यहाँ से अपने को मैक्स टू मैक्स भाई अपन 5:30-6 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। अभी मैं अपन ने क्रॉस किया यार कुम्हेर और इतनी ट्रैफिक था भाई, इतना ट्रैफिक था मैं दुखी हो गया। मतलब यार मतलब मेरा सोच मतलब मन था व्लॉगिंग करने का, बट कहते ना मन ख़त्म हो जाने वाली चीज़ अंदर जाके लिटरली ख़त्म हो गई। तो ख़राब रोड, पूरा मिट्टी मिट्टी उड़ रही है भाई, जो दिमाग ख़राब, ऊपर से ट्रैफिक। और अभी भाई अपन है डीग वाले रोड पर, आई मीन अलवर वाले रोड पर, और यहाँ से अभी बचा है भाई 20 किलोमीटर के बाद डीग। और अगर जो लोग डीग के बारे में नहीं जानते तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ भाई। डीग के ना फुहारे बहुत फेमस हैं यहाँ पर, जो फुहारे का मतलब भाई फाउंटेन्स, यहाँ बड़े मतलब अलग तरीके से फाउंटेन्स चलते हैं सुजान गंगा के अंदर। और अगर जिसको भी हिस्टोरिकल जानना है, मुझे भी देखो कोई खास ज़्यादा पता नहीं है, बट स्टिल जितना पता है मैंने बता दिया। और भाई थोड़ा बहुत और जानना है जिसको भी मतलब हिस्ट्री जानने में जो मतलब रखता हो कि हाँ यार मन करता है हिस्ट्री जानने का कि क्या था क्या नहीं है, तो प्लीज़ एक बार से गूगल पे कर लेना डीग के फुहारे या डीग फाउंटेंस करके कुछ भी कर लेना, आपको विकीपीडिया वगैरह इन सब पर मिल जाएगा। और भाई मतलब बहुत सही चीज़ है, मैंने आज तक देखा नहीं है बट काफ़ी बार मैंने इमेजेस देखी हुई हैं। और हमारे तो पास में है तो नॉर्मल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे आती रहती हैं फ़ोटोज़ वगैरह एंड एवरीथिंग। तो भाई जिसको भी इस हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो प्लीज़ जाके गूगल पर विज़िट कर लेना एक बार, कि आपको सारा पता लग जाएगा। और रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी इस रोड पर आने के लिए, पता नहीं हो क्या रहा है। अभी तो ये काफ़ी सही हो रखा है अभी तो रोड, देखना अभी आगे धीरे धीरे करके। ये देखो बीच बीच में खड्डे, ये देखो ये, ओ भाई क्या गड्ढा है बड़े बड़े यार, मतलब अमेजिंग, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, ऐसी ही हमारी सरकार रही। और ये सामने से भाई हैरियर वाले अंकल, धीरे चला लो गड्ढे गड्ढे भाई। टाइम हो चुका है 3:30, सूरज मामा भी ढलने वाले हैं, बट सूरज मामा ढलना मत अभी, क्योंकि हमें पहुँचने में लगेगा टाइम। और हमारे पास है ब्लैक वाइजर, तो दिक्कत तो कहना ही आएगी क्योंकि अपने पास हिमालयन है भाई, पूरा लाइट हाउस लेके चलते हम साथ में यार, मतलब लाइट हाउस ही है हमारे पास में अब।
वैसे तो मैं अभी तक 80-90 चल रहा था, बट इससे मुझे 100 पर चलना पड़ेगा, टाइम से पहुंचना है तो। और भाई दो जनों को तो बहुत भयंकर सरप्राइज लगने वाला है, आयुष और अंकित। मैंने इन दोनों को बोला है कि मैं जा रहा हूँ जयपुर और निकल चुका हूँ अलवर के लिए, और वो सरप्राइज़ होने को तो आपके लिए भी लग सकता है, बट यार मैं अभी आपको बता नहीं सकता। बट कुछ टाइम बाद जब व्लॉग्स बनेंगे तो पक्के से वो सामने लाऊंगा वो चीज़, बट अभी बिल्कुल भी नहीं ला सकता। तो इतना है कि बस आयुष और अंकित बहुत ज़्यादा सरप्राइजली होने वाले हैं कि तुम वहाँ एकदम कैसे पहुँच गए और किसके साथ हो। तो मतलब बहुत ज़्यादा अलग लेवल का होने वाला है ये व्लॉग, खास करके आयुष और अंकित के लिए। तो भाई हिमालयन को ऐसे देखते हैं दुनिया क्या लेके जा रहा है, भूसा होती तो भाई क्या ही होता है यहाँ पर यार। मतलब कोई नहीं जी, टचवुड पे भी नज़र ना लगे, तभी तो मैंने काला कलर लिया है, बट नज़र तो लग ही जाती है। अंकल जी आगे हो जाओ या पीछे, भाई दूर दूर तक तो कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि जंगल है भाई, ये देखो मतलब आई मीन खेत हैं। और रात में इस रोड पर भाई ड्राइविंग करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज ऑफ मेरे साथ एक दो बार कांड हो चुका है, क्योंकि इस रोड पे भाई देखो अकेले चलना भी सेफ नहीं है, आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली, क्योंकि इस रोड पे बहुत ज़्यादा चोरी डकैती और ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। और साथ ही साथ भाई अगल बगल में जंगल और खेत टाइप में, तो एक बार मतलब 2008 या 2009 में मैं और मेरे ड्राइवर अंकल आ रहे थे, तब हमारी गाड़ी का कहना भाई नील गाय आ गई थी एकदम से। तो भाई गाड़ी हैवी थी हमारी, एक्चुअली स्कॉर्पियो पहले वाली, तो उसका तो भाई बस बम्पर वम्पर ही टूटा था उस टाइम पे, मुझे जहाँ तक अच्छे से याद है। बट भाई अगर छोटी मोटी गाड़ी होती ना भाई, ना मैं बसता ना वो गाड़ी बसती ना हमारे ड्राइवर अंकल, तो हमारा हो जाता RIP। स्टिल सेफ हैं, अच्छे हैं, बने हुए हैं। तो इस रोड पे बस मैं सजेस्ट यही करूँगा कि रात में बिल्कुल भी मत आना, ऊपर से आपको ये रोड भी दिख रहा है कि रोड कितना अच्छा है, तो आप लोग समझ सकते हो कि इस रोड पे दिन में चलना ही अच्छा रहेगा। अब समझ सकते हो कि भूसा क्यों नहीं लाया मैं, और बढ़िया है मैं नहीं लेके आया भाई भूसा, मुझे अब खुद को भी लग रहा है कि बढ़िया नहीं लाया मैं भाई। डीग ज़्यादा दूर नहीं, बस डीग आने ही वाला है। ये हो चुके डीग की एंट्री, एंट्री थोड़ी भाई ऐसे ही है, तो माइंड मत करना, बिकॉज यही हाईवे यही बाईपास है और यही सिटी की एंट्री और यही सिटी का एग्जिट है भाई, तो प्लीज़ एंट्री माइंड मत करना। बाकी यार जो डीग के फुहारे हैं, यहाँ पर महल है जो मतलब वो बहुत ही अच्छा है, तो एक बार से भाई लोगों बस विज़िट करना मेरे कहने से, और या ऐसा करना डीग के पहले आप ऑनलाइन सर्च करना, उसके बाद यहाँ विज़िट करना। तो स्वागत है भाई लोगों आपका सीधा नगर में। और भाई अभी अपन पहुंच चुके हैं नगर, और नगर का जो भाई फेमस चीज़ है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली जो भरतपुर के हैं वो सब जानते ही होंगे, बट स्टिल जो बाहर के हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ। भाई आप लोगों ने ना ब्रेकफास्ट में या फिर किसी चीज़ में कचौड़ी जलेबी खाई होगी राइट? भाई ये जलेबी का साइज़ है ना, ये नहीं होता, ये होता है जलेबी का साइज़, क्योंकि यहाँ मिलते हैं भाई जलेबे, जलेबा कहते हैं उनको यहाँ पर, और वो जलेबा जो होता है वो भाई इतना बड़ा साइज़ होता है, मतलब एक आदमी एक जलेबा नहीं खा सकता डेफिनेटली श्योर। और जो खास करके जो मीठा नहीं खाते तो वो तो भाई मैं कह रहा हूँ दो चार उसमें ही हो जाएगा काम, दो चार स्पून में। बट स्टिल यार यहाँ जो है वो जलेबा बहुत फेमस है, तो ये अलग लेवल का होता है भाई जलेबा, मैंने ट्राई किया हुआ है एक दो बार, और यहाँ के पकोड़े भी बहुत अच्छे हैं, दाल के और इसके आलू के प्याज के वडेवर जो जो भी मिलता है यहाँ पर। अलवर पहुँचने में ही है हम, बस यहाँ से मैक्स टू मैक्स भाई मेरे हिसाब से अलवर बैठेगा 10 किलोमीटर के राउंड, और यहाँ से भाई अलवर की स्टार्टिंग भी ख़राब हो रखी है रोड से, ना कि नेचर से। ओहो भाई नेचर से भी हो रखी है, देखो यार कौन लोग हैं भाई, प्लीज़ कचरा मत किया करो भाई लोगों, प्लीज़ यार। और ये भाई अलवर की जब स्वागत होता है ना, ये साइड में जो पहाड़ वहाड़ और ये सब, ये बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे को यार, मतलब माउंटेन्स माई लव भाई, साफ बात करी जाए तो पहाड़ों से मुझे अलग ही लेवल का प्यार है। बस ऊपर वाले से एक ही गलती हो गई कि मुझे पहाड़ों में पैदा नहीं किया, बट भाई जहाँ भी गया है बहुत अच्छी जगह पैदा किया है।
I love my family, I love my birthplace and everything. I love my क्या बोलूँ यार आप लोगों को भाई, मुझे बस अपनी जगह से प्यार है, ठीक है, बट पहाड़ों से ज़्यादा है, बट अपनी जगह से भी है यार भाई। ब्रेकर ब्रेकर से बचो तो गड्ढे, गड्ढे से बचो तो ब्रेकर भाई। आगे से ना बस थोड़ा सा आगे चलने के बाद, यहाँ से मैक्स टू मैक्स 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ से बाईपास आ जाएगा दिल्ली टू अलवर वाला, वहाँ से रोड एकदम परफेक्ट हो जाएगा, फिर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, फिर तो भाई शूट हम शूट पहुँच जाएंगे वहाँ जहाँ अपन जा रहे हैं। तो आगे भाई रुक के मैं कॉल करना है मेरे को, और कॉल करने के बाद फिर बस उनको बोल देता हूँ कि वो भी वहाँ आ जाएं। आप लोगों को नहीं बता सकता बट बहुत जल्द आने वाले टाइम में जो व्लॉग्स आएंगे आप में सबको पता लग जाएगा कि किस से किसके बारे में बात चल रही थी और किसको कैसे सरप्राइज़ मिला। गाइस नौगावा 21 किलोमीटर, अंकित आयुष वन ऑफ स्पेशल आप लोगों को दिखा रहा था भाई नौगावा 21 किलोमीटर, समझ रहे हो ना कुछ। और भाई यहाँ थोड़ा रोड क्या थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रोड आ चुका है, अब अपने को दिक्कत आने नहीं वाली। अब एक बार लगाते हैं बाइक साइड में, करते हैं फ़ोन कॉल और मिलते हैं भाई। इस आदमी को अलग ही मस्ती चढ़ रही है यार, ये मजाक लग रहा है इसको, इसको कोई मतलब नहीं है भाई, पिछले 2 किलोमीटर से तंग कर रखा है इस बंदे ने। मैं ओवरटेक करता हूँ, उधर काट लेगा, इधर से करूँगा तो इधर निकलेगा। हेलमेट पहन के अपने आपको ये समझते हैं अपन ही है जो है। चुके अलवर सिटी और अपन सीधा यहाँ से चल रहे हैं पहले। भाई बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो जाऊँगा SP पेटीज पहले, वहाँ पर जाके पहले पेटीज शेडीज खाऊँगा, फिर उसके बाद कुछ सोचूंगा कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना। भाइयों से मिलते हुए जाएंगे यार, सारे कजन्स जो हैं वो मेरे यहीं पर ही रहते हैं यार, तो अभी किसी को पता नहीं है कि मैं अलवर आ रहा हूँ या अलवर आ रखा हूँ, जो भी है। तो ये एक छोटा सा सरप्राइज भी होने वाला है गाइस। भाई लोग यार इधर से ना आगे से कहीं कट आएगा, वो कट है ना हर बार मैं भूल जाता हूँ। सो भाई लोगों बस आ चुके हैं मलकापुरी, यहाँ से राइट में जाके लेफ्ट में जाके भाई SP पेडिस कॉर्नर। वैसे तो भाई लोगों मैं डाइट पर हूँ बट यार कुछ कुछ जगह है ना मेरी, और कुछ कुछ जो स्पेशल फूड्स हैं वो मेरे भाई फेवरेट हैं भाई, और ख़ास करके इनकी पेटीज़ तो खास करके मेरी भाई बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इनकी पेटीज़ मैं नहीं छोड़ सकता बिकॉज आई लव इनकी जो पेटीज़ है ना वो बहुत अलग लेवल होती है भाई, और वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो अब वो रह गया पीछे वाली गली में, भाई पीछे चलते हैं। तो पेटीज खाने के बाद जल्दी से मिलते हैं आपसे बाबा। कल रात को पहुंच गए थे हम रात को, ले मैं पहुँच तो अलवर गया था 5:30 बजे के अराउंड, बट फिर छोटे मोटे काम भी थे, और जिस मेन रीज़न से आना था कि यार शादी में आना था यहाँ पर, तो फिर शादी अटेंड करने के बाद यहाँ लेट हो गए थे। और अभी मैं रुका हुआ हूँ भाई करण भैया के पास, ये रे करण भैया, और भाई इनको जल्दी से बधाइयाँ दे दो, अभी जल्दी जल्दी में 1 महीना हुआ है भाई, बेबी गर्ल हुई है भैया की, तो भैया को बधाइयाँ देना खूब सारी। और यार अभी ना एक कांड हुआ है यार, मेरा टॉप बॉक्स बाइक पे लगा हुआ था, उसकी चाबी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ खो गई रात में, क्योंकि पॉकेट में रखी हुई थी यार, अब मुझे लग नहीं रहा कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यार जयपुर जिस रीज़न से जाना था ना, सारा सामान जो लगवाना था वो छोटा मोटा सामान उसमें ही रखा हुआ है टॉप बॉक्स में, और जो दूसरी वाली की है वो मेरी रखी है घर पर, तो यार लफड़ा पड़ गया, बट कोई नहीं इसकी जुगाड़ करेंगे, पहले तो ढूंढते हैं, अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई किसी चाबी वाले के पास चल के इसकी चाबी बनवाते हैं। तो भाई लोगों बहुत बहुत बधाई है, मैं जस्ट अभी आपको बता ही रहा था कि यार चाबी खो गई है, और भाई चाबी मिल गई है। मैंने साहिल भैया को कॉल किया तो साहिल भैया मेरी चाबी नहीं मिल रही शायद से, देखो आपके वहाँ तो नहीं रह गई, और भैया मेरे को फोटो भेज रहे हैं कि यही है क्या तेरी चाबी, मैंने कहा हाँ भैया यही है। तो अभी वहाँ जाना है मेरे को, पहले तो चाबी पिक करके लाता हूँ, फिर यहाँ से टाइम से निकलते हैं, क्योंकि लेट नहीं करते हम, ऑलरेडी लेट है 11 बज चुके हैं यहाँ पर, और मुझे जयपुर जाना है, जयपुर में काफ़ी सारे काम करवाने हैं बाइक्स में, और फिर भाई उसके बाद जल्दी से मेरे को वापस भी पहुंचना है भरतपुर। तो आज की राइड अराउंड होने वाली है करीबन 200-250 किलोमीटर की, और ये वाले व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाला हूं, इसके नेक्स्ट वाला व्लॉग स्टार्टिंग में मिलता है जल्दी से। भाई लोगों ये करण भैया अभी अभी मैं जल्दी से बने, ये गुड्डा के हमारी क्यूटी के, हाय क्यूटू हाय बेबी।
भाई इसको उबासी आ रही है और अभी उठी है। तो कैसा लगा ये व्लॉग भाई लोगों, प्लीज मुझे जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है भाई लोगों, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।